हाँ जी, एकोनाइट, एकोनाइट को मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसकी हमने थोड़ा सा उठाया है, ये हमने वहाँ से उठाया है बोरक से। टैकाकार्डिया, फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट विद द पेन लेफ्ट शोल्डर, स्टिचिंग पेन एंड चेस्ट पल्पिटेशन विद एंजाइटी, फेंटिंग, टिंगलिंग फिंगर, पल्स फुल हार्ट, टेंस एंड बाउंडिंग, समटाइम इंटरमीडिएट टेम्पोरल एंड कोर्टियल फोर्टियल फेल्ट वेन सिटिंग। पहली एमरजेंसी मेडिसिन अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो एकोनाइडिया, टैकाकार्डिया, देखें उसने बहुत प्रोमिनेंट कलर के लिखा है। दूसरी जो है वो राइटर मलबेर, पल्पिटेशन विद एंजाइटी, रैपिड ऑडियोबल, ऑडियोबल सुनी जा सकती है, मतलब उसकी सांस की आवाज सुनी जा सकती है, पल्स इरेगुलर फीबल, तंबाकू पीने वाले का हार्ट फ्रॉम लोग तंबाकू पीते हैं उनके भी, जो अक्सर तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, तो हिस्ट्री अगर पूछें कि वो तंबाकू का इसका इस्तेमाल है तो उनकी भी ये दवाई है। फीबल पर्सन विद सम हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हेपेटिक मतलब जो आपकी जो लिवर सर्कुलर सिस्टम की कोई, उसमें भी ये काम आएगी। वन ऑफ द बेस्ट आर स्टिमुलेंट इन होम्योपैथी डोज, वन ऑफ द बेस्ट स्टिमुलेंट, होम्योपैथिक में रेस्क्यू करने वाली ये बड़ी दवाई है जो वराइटम एल्बम है। और इसकी मैंने प्रेजेंटेशन आपको पहले भी बताई थी कि स्वेटिंग होगी, डेथ पेल होगा, डेथ पॉइंट पे आ जाएगा, उसको इससे निकालती है। आगे चलें जी, आगे चले ना, यहाँ पर आप कैंपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंपर जो है वो भी, वो कैंपर का इतना रोल हार्ट में नहीं है जितना कि उसका कॉलरा में है। हार्ट में हो गए तो वो उसका रोल इतना नहीं है, यहाँ अमाइल नाइट्रेट का रोल है, अमाइल नाइट्रेट का। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं वो यही देते हैं। अब कालमिया, वी स्लो पल्स, फ्लैटरिंग ऑफ द, फ्लैटरिंग फड़फड़ाना हार्ट का, वो जैसे फेब्रिलेशन, क्योंकि ये बोरक ने अपनी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है, फ्रैक्चरिंग फड़कना विद एंजाइटी। अब ये आप जो फेब्रिलेशन में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कालमिया में, ये जो फ्रैक्चरिंग है ना, फ्रैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, फेब्रिलेशन का क्या मतलब है, बे बे एक सही सही परिंदे का उड़ना, उसको सही फ्लाई कहते हैं ना, और फड़फड़ाना तैयारी करना, फड़फड़ाना तेजी से, पर प्रेशन वर्ज लीनिंग फॉरवर्ड, एंजाइटी पल्पिटेशन। अब ये देखें इसकी दिल की धड़कन, वर्स लीनिंग फॉरवर्ड, आगे चलने से बढ़ेगा, गाउटी क्या आ गया, रूमेटिक आ गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज। गोटी पहले हार्ट से शुरू, मौत से शुरू होगा, जोड़ों में आगा, रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट, कि जोड़ों का दर्द जब हार्ट में जाएगा तो उसको कहेंगे कि मेटास्टेसिस, एक डिजीज जोड़ों में कुछ और काम, मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह डिजीज का चले जाना, और फिर इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो वो क्या था, वो जोड़ों से चोट के ना हार्ट में चला गया। ये कितनी क्लियर पिक्चर दे रहा है, टैकाकार्डिया विद पेन, थायराइड, इसमें थायराइडिनम का भी वो जिक्र कर रहा है, टोबैको माल्ट, इसमें डिस्निया एंड प्रेशर फ्रॉम द एपिगेस्टियम, यहाँ प्रेशर पड़ता है टुवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ जा, शार्प पेन टेक अवे द ब्रेथ, शूटिंग थ्रू द थ्रू चेस्ट अबव हार्ट इन टू द शोल्डर ब्लेड, फ्रीक्वेंट पल्स, हार्ट एक्शन, ट्रेम्बुलोसिस, रैपिड एंड विजिबल प्रॉक्सिमस ऑफ द एंगुशेस अराउंड द हार्ट, के वो हार्ट के अंदर एक बड़ी अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। और इसका पूरा अगर इसकी पैथोफिजोलॉजी देखें इस दवाई की, तो ये बिल्कुल आपको रूमेटिक फेवर वाली लगती है, और ये वैसे भी दिल में बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है।
और ये जोड़ों का दर्द जो ऊपर से नीचे को आता है, और ये ऊपर से नीचे को आता है, ये थ्रोट से शुरू, ऊपर से शुरू हो रहा है तो फिर नीचे को आया, ऊपर से शुरू हो रहा है। इसकी मैंने शॉर्ट एक्सटेंशन बनाया था कि स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड लिक्स द जायंट एंड सिट इन द, ये सारा वो शक्ल पेश कर। आगे चलते हैं, कैक्टस। अब देखें ना आपको कैक्टस जरा पढ़ें, आप जाके आज जरूर पढ़ें इसको घर जाके। इंडोकार्डियाटिस, ये टॉपिक पढ़ा है ना हमने, इंडोकार्डियाटिस क्या, जहां पे बैक्टीरियल इंडोकार्डियाटिस हार्ट के अंदर की सोजस हो जाना, विद मिट्रल इनसफिशियंटी टूगेदर विद द वायलेंट एंड रैपिड एक्शन, ये मिट्रल वाल्व की भी इनसफिशियंटी आ गया। आप देखें ये दवाई, इसको पढ़ें, कार्डियाटिस, मिट्रल इनसफिशियंटी विद वायलेंट रैपिड एक्शन एक्ट बेस्ट इन द इनसफिशियंसी ऑफ द कार्डियो इनकम्पटेंसी, कार्डिया इनकम्पटेंसी, दिल की कोई भी इनकम्पटेंसी है तो वहां ये यूज होगी कैक्टस। हार्ट वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल सेक्लेरोसिस, जो प्लाक बनता है वो उस वो आर्टेरियल सेक्लेरोसिस वहां वहां जमा होके वो प्लाक की शुरुआत उसको ये डिजॉल्व करती है। इसका मतलब है ये जो स्टेबल एंजाइना इनस्टेबल एंजाइना में भी काम करेगी और उसकी ग्रोथ को भी ये रोकेगी, सेक्लेरोसिस के वहां जो जमा हो जाना, उसका क्लासिफिकेशन हो जाना, उस पर जमा हो जाना, इसको सेक्लेरोसिस कहेंगे कि आर्टरी को तंग कर देता है, वो आर्टरी को तंग करती है। टोबैको मार्ड फिर इसमें आ गया, तम्बाकू, क्योंकि तम्बाकू की वजह से उस जमाने में बहुत बीमारियां होती थी। वायलेंट पल्पिटेशन वर्स लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे स्पाइजेलिया वाला भी नहीं लेट सकता और ये भी लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकता, लेक्सिस वाला भी नहीं लेट सकता। एट अप्रोच ऑफ मेंसिस, एंजाइना विद द सफोकेशन, कोल्ड स्वेट एंड अवर प्रेजेंट आयरन बैंड फीलिंग, जिसको मैंने आपको इससे आपने अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज द आयरन बैंड, ये आपकी शनाख्त है, क्योंकि वो ये सारी चीजें आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी, आपने सिर्फ शिकंजे का ही पूछना है, बस सिर्फ शिकंजे का। तो कैक्टस का मसला, चाबी चाबी, ये की है कैक्टस की शिकंजा, एवरीवेयर यू फील कैग शिकंजा ग्रिप, तो दैट इज द कैक्टस। मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं, और ये मैंने मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बोरक का लिखा हुआ है और मैंने पूरा वहां से उठा के यहां लगा दिया है। ये जो 5-6 दवाइयां मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ये जाके रात को पढ़े फिर मेरा लेक्चर सुने। ये तो 13 हमने आपको स्लाइड दिखाई है, 13 स्लाइड मुख्तलिफ, मायोकार्ड इन्फेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियाटिस, फेब्रिलेशन, पेल्पिटेशन, डिस्निया, मतलब रिदमिया, डिसरिदमिया, ये सारी आपको फिर इधर नजर आएंगी, ये सारी इधर आपको नजर आएंगी। शूटिंग डाउन द लेफ्ट आर्म, पल्पिटेशन विद द वर्टिगो, डिस्निया, फ्लेचुलेस, कंस्ट्रिक्शन, दिस इज द मैन कंस्ट्रिक्शन, यू द वेरी एक्यूट पेन एंड स्टिचिंग इन हार्ट, पल्स फीबल, इरेगुलर। अब देखें फीबल भी है, इरेगुलर भी है और क्विक भी है, कितनी जगह आपको आ रहा है, कमजोर पल्स भी मिल रही है, तेज पल्स भी मिल रही है, इरेगुलर भी मिल रही है। विदाउट स्ट्रेंथ पावर नहीं होगा, इंडोकार्डियल मर्मर, मर्मर भी होता है यूं यूं, एक्सेसिव इंपल्स, इंक्रीज पेरिकार्डियल डलनेस, इन लार्ज वेंट्रिकल, दिल का बढ़ जाना, लो ब्लड प्रेशर। कितनी मजे की दवाई है और इसकी पहचान कितनी आसान है, बस चिट्टा है काला है, इतनी पहचान है ना यार, ब्लैक एंड व्हाइट पहचान है, ग्रिप है, कंस्ट्रिक्शन है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, भैया पहचान कितनी आसान है, इससे बड़ी साइंस को दुनिया में।
वो हैं नहीं दे सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेजेंटेशन हाई भी आता है क्या, लेकिन ये सिम्टम अगर आ रही है ना इसकी कंस्ट्रिक्शन वाली, लेकिन इसकी तो पैथोलॉजी पढ़े। और वो जो मेरा लेक्चर है पूरा 13 स्लाइडों वाला, आप जरा उससे उसको जरा देखें। और पहचान कितनी आसान है, सेकंड नहीं लगते थे। ये बीमारियां कितनी हैं, ये बीमारियां सारी कार्डियोलॉजिस्ट से भी हल नहीं होती, वो बीमारियां इस दवाई के अंदर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आपने कैक्टस 1000 दफा शायद पढ़ी हो, लेकिन इस अंदाज में नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़ी है इस अंदाज में, नहीं पढ़ी होगी। आप इस लेक्चर की सारी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी देखें और फिर आप इन दवाइयों, मैंने ज़्यादा दवाई, मेरे पास तो 56 मैंने दवाइयाँ, एक एक दवाई मैंने पढ़ी हुई है, मैंने ए से लेके जी तक मटीरिया मेडिका बोरक पढ़ के उसके अंदर जितना भी हार्ट का चैप्टर था मैंने सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस, जो मेरी रूटीन की प्रैक्टिस है, उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, आप जितना मर्जी आप पढ़े ना, लेकिन बेसिक जब आप स्टार्ट करेंगे, अब इमरजेंसी को स्टार्ट करेंगे तो ये लिमिट्स रखें। फिर केस कोई नहीं बेहतर होता तो फिर लिमिट, आप पहले इस एरिया में रहें। आप अगर 60-70 मेडिसिन के अंदर घूमने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा टॉप प्रायोरिटी की मेडिसिन ये है, इन पे रहें, बाकी पढ़ने को जितना मर्जी पढ़ते रहें। बस थोड़ा रह गया, चले जी आगे चलते हैं। नाजा ड्रैगिंग एंड एंजाइटी इन द पेरिकार्डिया, फीलिंग ऑफ वेट ऑन द हार्ट, एंजाइना पेन एक्सटेंडिंग टू द नैप ऑफ द नेक। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि क्या करता है कि वह यहाँ नेक पे भी फील करता है हार्ट फेलियर में, तो ये क्या कर रहा है? एंजाइटी, फियर ऑफ द डेथ, मरने का, बिल्कुल पे मर जाऊंगा, नहीं बचता। और ये देखें, एंजाइना पेन एक्सटेंडिंग द नेप ऑफ द नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म में कोई जगह छोड़ी है इसने, यूं भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। विद हार्ट सिम्टम पेन इन फोरहेड एंड टेम्पल, पल्स इरेगुलर एंड इन फोर्स, इरेगुलर है लेकिन फोर्स, थ्रेटन पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। मैंने कहा था कि बल्बर पैरालिसिस करता है, ये हार्ट को पैरालाइज करेगा। बॉडी कोल्ड, पल्स स्लो, वीक, इरेगुलर, ट्रेम्बुलस, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंडोकार्डियाइटिस। अब कौन सी चीज छोड़ रहा है यार, अब खुदा के बंदे पढ़ो तो सही इसको। इंडोकार्डियाइटिस आया इसके अंदर, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों इंडोकार्डियाइटिस आ गया। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन चाहे वो बैक्टीरियल है जो कोई, ये वहाँ भी काम करेगी। आप इंट्राकोकस दे, एंटेरोकोकस दे रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं। आप इंटेरोकोकस दे रहे हैं, आप इसको स्पाइजेलिया को दे सकते हैं, आप कालमिया को दे सकते हैं, आप स्ट्रेप्टोकोकस देते हैं साथ इसको दे सकते हैं। डैमेज हार्ट आफ्टर इन्फेक्शन डिजीज, हार्ट को डैमेज कर देगा कौन, इन्फेक्शन डिजीजेस। मार्क सिम्टम्स ऑफ द लो टेंशन, ये तो जो देखे, कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन आता है तो उसमें नाजा का बड़ा रोल है। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इग्नोर हुई है ये दवाई कंपैरेटिवली बाकी दवाइयों के लेक्सिस के, ये बहुत इग्नोर हुई है और ये बहुत काम की दवाई है। ये अल्टीमेटली अगर कार्डियक कफ पे लगती है तो कार्डियक कफ तो उस वक्त होगी जब चैम्बर डायलेट हो गया, उस वक्त काम करेगी। तो ये जो दवाइयां हैं, ये जो कालमिया है, ये जो कैक्टिस है, ये एकोनाइट है, ये वाइटल मलमा है, यार पांच दवाइयां लेके बैठ जाओ आप तो दिल का इलाज करने के माहिर बन गए। ये होम्योपैथी लूले लंगड़े हर किस्म के बंदे को चलाती है, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर है उसको भी चलाएगी, उसकी ज्यादा दिमाग काम करेगा तो उसको भी चलाएगी, और जो
सिंपल डिप्लोमा करके गली कूचे वो भी जाए अगर इनको समझ लेता है तो। और यार एक क्रैटेगस को पढ़े ना, काशीराम में लिखा है कि एक कोई डॉक्टर था, वो दिल के बीमारों की जो लाइनें लगी होती थी उसके पास, बताया उसने कोई नहीं कि मैं इनको क्या देता हूँ, जब मरा है तो उसके अंदर से सिर्फ क्रैटेगस ही निकली है, ड्रम भरा हुआ क्रैटेगस का। वो यार इतना ना दिमाग बोझ पे डाले ना, ये चार छह दवाइयों को अच्छी तरीके से समझ लें यार, क्यों परेशान होते हैं आप। आप आज का लेक्चर सुने, आप सारी जो 13 हमने टॉपिक आपको दिए उनको पढ़ें और फिर इन चार पांच दवाई, इन्हीं में मसला हल होगा, इन्हीं में मसला हल होगा। पकड़े कहां से इसको, खांसी से पकड़े और सांस से पकड़े फिर सीधे पीछे चले जाए, आगे चलते हैं जी। लेक्सिस, इसमें लीकेज है, उसमें लीकेज नहीं है। रिगर्जिटेशन लेक्सिस में है, इसमें नहीं है। सिर्फ एक रिगर्जिटेशन इसमें से हटाएंगे, बाकी सारी पैथोलॉजी इसके अंदर पड़ती है। पल्पिटेशन, फेंटिंग स्पेल स्पेशली ड्यूरिंग द क्लाइमेटिक, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग, इसमें भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग फीलिंग है, शिकंजे वाली है। कॉजिंग पल्पिटेशन विद एंजाइटी, साइनोस, साइनोस क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, इरेगुलर बीट। पर लेक्सिस तो ये सफोकेट होती है, जब सफोकेट होगी तो लेक्सिस है। नेक्स्ट स्पाइजेलिया, अनदर बिग मेडिसन स्पाइजेलिया, वायलेंट पल्पिटेशन प्री, और ये बड़े मजे की दवाई है यार, इसको तो मैं स्टैमरिंग में इसको मैं यूज करता हूँ, मतलब लुकनत में ये इस्तेमाल होती है, अर्निका का ये क्रॉनिक है, पेट के कीड़ों में ये यूज होती है, दिल की बड़ी दवाई है। तो वायलेंट पल्पिटेशन, प्री कॉर्डियल पेन एंड ग्रेट एग्रीवेशन फ्रॉम द मोमेंट, हर कुछ से वो कहते हैं ना लड़ा सा चलता है, उसको क्या कहते हैं जो उसका है एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ द पल्पिटेशन स्पेशली द फाउल ऑडर फ्रॉम द माउथ, मुंह से स्मेल आती है, पल्स वीक, इरेगुलर, पेरिकार्डियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट विद स्टिचिंग पेन, पल्पिटेशन, डिस्निया, न्यूरलजिया एक्सटेंडेड टू आर्म, बोथ आर्म, न्यूरलजिया दर्द फैलता है, एंजाइना पिक्टोरिस, क्रेविंग फॉर द हॉट वाटर विच रिलीव रूमेटिक एटॉल। अच्छा देर इसमें, इसमें भी देखे रूमेटिक आ गया, ट्रेवलिंग पल्स। अब कहीं लफ्स फ्लैटरिंग का यूज हो रहा है, कहीं उसको क्या फेब्रिलेशन का लफ्ज यूज हो रहा है, बात वही है, ट्रेमरी कांपना अंग्रेजी है ना, अब अंग्रेजी वहाँ फेब्रिलेशन भी यूज हो रही है, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इज द फेब्रिलेशन, लेकिन पुराने आथर हैं इसी को कन्वर्ट करना है ना, उसे डॉक्टर इजाज अली साहब कहते थे कि बाद अब रेपिटरी में लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है। अब पुराने आप आथर्स को पढ़ें तो यूट्रस को उन्होंने वम लिखा हुआ है, वम, डब्ल्यू एम, वम, अब यूट्रस लिखा जाता है। तो ये स्टडी है ना कि आप अल्फाज को नई टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करें। तो आप ये कह रहे हैं वो तो डॉक्टर अली तो फेब्रिलेशन पर आ गया था, इसने तो कुछ ट्रेमलिंग लिखी है, इसमें तो फ्लैटरिंग लिखी हुई है, यही समझ की बात है। ऑल लेफ्ट साइड सोर, डिस्निया मस्ट बी ऑन द राइट साइड, ये लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता, इधर लेटेगा दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, और ये मैंने बेशुमार प्लीज इस सिम्टम पे भी ट्रीट किए, लेफ्ट साइड पे नहीं लेट सकता। आगे जी, टाइम बहुत हो गया यार। डिजिटेलस, द लीस्ट मोमन कॉज वायलेंट, जरा सी हरकत दिल की धड़कन बढ़ा देती, जरा सी हरकत सांस खराब कर देती। डिफ्रेंशिएट करना ना, जरा सी हरकत दिल की धड़कन
जरा सी हरकत सांस लिखने से सांस बढ़ जाना नाजा है, लेक्सिस है, हेपस है, हेपस का भी लेटने से सांस बढ़ जाता है, लेक्सिस का लेटने से सांस बढ़ जाता है, ओपियम का लेटने से सांस बढ़ जाता है, और एक और वजह ग्रैंडेलिया का लेटने से सांस बढ़ जाता है। तो ये आपको थोड़ा 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 करना। वो मरीज कहता है लेट ही नहीं सकता, बैठ के सोता हूँ, लेक्सिस है, ओपियम है, हेपस है, ग्रैंडेलिया है, क्या होता है पानी जमा हो जाता है, ये सारी पानी वहाँ से फेफड़ों से निकालती है। और एक और होती है आपकी स्पाइडोस्पर्मा, हार्ट पल्स वीक एंड क्विकेंड बाय लीस्ट मोमेंट पेरिकार्डियाइटिस कॉपियस सीरियस ऑक्सेशन डायलेटेड हार्ट डायलेटेड इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, कहीं डायलेटेड लिखा होगा, कहीं इनलार्ज लिखा होगा, कहीं आपोट्रॉफी लिखी होगी, मतलब एक ही है अल्फाज का ही हेर फेर है, क्योंकि ये अंग्रेज है, इनकी लैंग्वेज है, ये बड़े मजे से लिखते हैं, तो हमें सारा तो दिल बढ़ जाना ही है, चाहे वो हाइपरट्रॉफी है, चाहे इनलार्जमेंट है, चाहे डायलेशन है। ठीक हो गया जी। इरेगुलर विद स्लो एंड फीबल पल्स हाइपरट्रॉफी, अब देखें वहां उसने डायलेशन लिखी है या हाइपरट्रॉफी लिखी, फिर आगे आ गया विद द डायलेशन कार्डियक फेलियर फॉलिंग फेवर कार्डियक ड्रॉपसी, ड्रॉपसी क्या वही कार्डियक ड्रॉपसी पानी का पड़ जाना, ये जो जो ये मेडिसिन है ना डिजीजेस, ये दिल की वजह से पानी पड़े तभी डिजीजेस काम करती है, लिवर की वजह से पानी पड़े तो तब भी डिजीजेस काम करती है। ये हम जो पेशेंट होते हैं लिवर सिरोसिस के या लिवर के, उनके अंदर भी पानी पड़ता है तो फिर यही दवाई है डिजीजेस। ये पानी रिटेन करता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से तब भी डिजीजेस दवाई है, पानी रिटेन हो जाता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से, रिटेंशन हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है, फिर भी डिजीजेस है। तो कहाँ कितनी पैथोलॉजी है, हार्ट की पैथोलॉजी है, लिवर की पैथोलॉजी है, और जेनेटल ऑर्गन प्रोस्टेट की पैथोलॉजी भी है, और ये वहां से पानी निकालती है। नेक्स्ट कार्डियक फेलियर, एक मिनट कार्डियक फेलियर फॉलिंग कार्डियक फेलियर फॉलिंग फीवर, मतलब फीवर की वजह से दिल का फेल हो जाना, तो फिर भी डिजिटेलस है, कार्डियक ड्रॉपसी। आगे चलेंगे वायलेंट लेटर डक्टस वायलेंट पेरिकार्डियल पेन एक्सटेंडिंग टू द एक्सिला एंड द डाउन द आर्म एंड फोर आर्म टू फिंगर विद द नमनेस ऑफ द एक्सट्रीमली पल्स फीबल एंड रैपिड सिंकिंग सेंसेशन एंड क्रैम्पिंग पेन फ्रॉम द चेस्ट टू द एब्डोमेन। और ये जो आप जो थेराप्यूटिक्स आप पढ़े ना उसका बोरेक का, उसमें पेन जो एंजाइना की दवाइयाँ देखें ना, एक ये लिखी हुई है लेटोडेक्टस लिखी हुई है, एक लिखी हुई है आपकी डिजिटेजस लिखी हुई है, और एक हेमाटोक्सिन लिखी हुई है, ये तीन चार दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट लाइकोपोडियम एनरिज्म ओलोटिक डिजीज पल्पिटेशन एट नाइट कैन लेट लाइट ऑन द लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट पे नहीं लेटने देती। एनरिज्म पता क्या होता है, गुब्बारा बन जाना, आर्टरी का फूल जाना, फैल जाना, ये स्पाइजेलिया में भी मिलता है गुब्बारा बन जाना, और यहाँ ट्यूमर बन जाना इसमें भी ये आता है, ये ब्रैटाकार्ब है ये दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट ही लॉरोसिरोसिस मिट्रल रिगर्जिटेशन लीकेज क्लचिंग
एट द हार्ट एंड पल्पिटेशन, क्लचिंग क्या होता है, दांत पीसना, क्लच करना, ये भी यू उसके यहाँ उसने क्लच अब लिख दिया है, कंस्ट्रिक्शन, क्लच, साइनोसिस। ये जो नौजवान बच्चे पैदा होते हैं ना, जो नीले होते हैं हार्ट की, क्या होता है ये नीले क्यों होते हैं, ये जो इसको कहते हैं पीडीए, एक बीमारी है बच्चों में पीडीए, पेटेट डेक्टस ऑर्टियोसिस, उसका मतलब यह है कि जो जो नाली फेफड़ों को पैदा होने से पहले खून लेके जा रही होती है वो पैदा होने के बाद बंद हो जाती है, तो ऐसे बच्चों में ये बंद नहीं होती, फिर साइनोस होते हैं। साइनोस कहाँ होते हैं, एएसडी वीएसडी में, दिल के सराख में भी साइनोस होंगे, तो वहाँ लारोसिरोसिस है। हम दिल के सराख में इसका लाजमी इस्तेमाल करते हैं लारोसिरोसिस। नेक्स्ट जी, द मटीरिया मेडिका ऑफ हार्ट डिजीज। अब ये कोई 60 से ज़्यादा मेडिसन्स हैं, चलाते जाएं इसको सीरीज को, एकोनाइट है, वराइटम एल्बम है, एबज नाइग्रा है, एडोनस वेलनस है, अड्रेनलिन है, एलियम स्टाइवा है, अमाइल नाइट्रेट है, एपस मेलिफिका है, एपोसाइनोम है, आर्सेनिक एल्बम है, फोरम आर्स है। अच्छा, ये कोई 60 से अबव मेडिसन है और ये मेरी स्टडी है, ये ऑलरेडी मौजूद है मटीरिया मेडिका, हमने वहाँ से निकाल के आपको यहाँ इकट्ठी कर दी है और सिर्फ इनकी दो दो लाइनों की अलामत हमने लिखी हैं। और ये अगर आपने चेक करना है तो हार्ट का लेक्चर कौन सा है, 260 में भी आपको ये मिलेंगी और इस लेक्चर में भी हमने डाल दिए हैं 207 में, उसमें इसकी सारी, यहाँ भी आप इस लेक्चर के साथ भी आपको ये सारी मिलेंगी, इनकी तीन दिन दो दो चार चार जो खास खास इसकी पैथोलॉजी थी या सिम्टम थी वो हमने इसमें डाल दी। ठीक है जी, कार्डियक इमरजेंसी, कोई तसल्ली हुई?